नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। और आज का जो रेस्क्यू है वो भी रसल स्वाइपर सांप का होने वाला है, जो कि पूरे एशिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। और ये जो रेस्क्यू है ये भी ठीक उसी गांव से है जो एक दिन पहले हमने आपको रेस्क्यू दिखाया है। गोंदापुर सरहदा बाजार महाराजगंज थाने के अंतर्गत आता है, आजमगढ़ जिले में। ये रेस्क्यू भी हम लोग उसी गांव में करने वाले हैं। हमें ये रेस्क्यू कॉल भी उसी गांव से आया है। जैसे हमने पहले सांप को रेस्क्यू किया, हमें सूचना मिली कि इसी गांव में कुछ और दूरी पर इसी वैरायटी का, इसी तरह का एक और सांप देखा गया। और उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग उसको भी रेस्क्यू करने, वरना आपको फिर से 100 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं ये लोग सही कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, अगर सांप मिलता तो उसका भी सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। और फाइनली काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम लोग उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें रेस्क्यू के लिए निकाला है। तो बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। बहुत अलग है, चलिए हमारे दोनों में आप लोग को अंतर भी बता देंगे रेस्क्यू के बाद। कब सीटी मारा है, कब की बात है? कल की बात है। वो भी बंद है। अच्छा, दरवाजा में बंद है, लकड़ी है उसमें। लकड़ी ज्यादा, लकड़ी क्या? हाँ तो फटवाइएगा उसको, हम लोग रहेंगे। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, ये लोग रसल स्वाइपर सांप को चित्तायन यानी कि अजगर सांप समझ रहे थे, जो कि पूरी तरह से नॉन वेनमस होता है। ये लोग इतने ज्यादा जहरीले और खतरनाक सांप को नॉन वेनमस सांप समझ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, लकड़ी को देख रहे। अरे नहीं दिख रहा, सब ऐसे बोल रहे हैं, उन सबके चक्कर मत पड़े। दिख रहा है सही में? रुको, देखने दो, ऑटो ऑटो दिख रहा है? हाँ, हाँ, अरे निकला है क्या ऑटो? निकल गया। अरे हाँ चाचा जी, लकड़ी में लटका हुआ दिख रहा है। हाँ हाँ है, कैमरा ले। कौन सा कीड़ा है? ये रसल वाइपर, मने एशिया का सबसे बिजधर कीड़ा। ये जब भी काटता है तो पूरे जहाँ पे। हाँ हाँ, और यहाँ पर जो सांप है वो सामने दिखाई दे रहा है, और ये सच में अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक रसल स्वाइपर सांप दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा मोटा और काफी ज्यादा बड़े साइज का है। हमें नहीं लगता कि इसके पहले हम लोगों ने इतने बड़े साइज का रसल स्वाइपर सांप लाइव देखा होगा या फिर उसको रेस्क्यू किया होगा। ये पहला इतना बड़ा सांप होगा जिसको हम लोग रेस्क्यू करेंगे। तो फिलहाल बिना वक्त गवाए इसको लकड़ी को एक तरफ से हटाते हैं और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। अभी बाहर निकलेगा तो सब लोग हट जाओ, छोड़ो, उधर से हट जाइए। ए उधर से हटिए आप लोग, ऐसे नहीं निकल पाएगा, इसको निकालना। सब सही कह रहे थे बच्चे, इसे जंगल के पास ही हट जाओ। हाँ
बहुत मोटा बहुत हैवी था देखो और फाइनली काफी ज्यादा मशक्कत के बाद जो सांप है उस पर हमारी पकड़ बन चुकी है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये सांप जो है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसे एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है और ये जंप करके बाइट करता है। तो इसके रेस्क्यू के वक्त हम लोग पूरी तरह से सावधान रहेंगे, अपनी और इसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे। और हम लोग फिलहाल बिना वक्त गवाए इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं और वहां पर इसको बैग में पैक करने के बाद इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जाएगा। देखो ये देख रहे हैं, इसमें कैसा गोला गोला चेंज जैसा दिख रहा है, टाइम में आपका ऐसा रहेगा। चालू है, चालू है, उसको बंद कर दो। इसको क्या कहते हैं? रसल वाइपर। हिंदी में, हिंदी में इसको दबैया कहते हैं, दबैया। हाँ, और महाराष्ट्र में इसको घोनस बोलते हैं। जैसे पहाड़ी जैसे पहाड़ों के हैं, पहाड़ पे ज्यादा रहते हैं। पहाड़ का एक नाम चंदन बोड़ा होता है, चंदन बोड़ा होता है। उड़ीसा साइड में इसको चंदन बोड़ा बोलते हैं। अच्छा, पूरे एशिया का सबसे खतरनाक सांप होता है, जहाँ पे काट लेता है वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन मतलब सड़न टाइप, सड़न टाइप सड़ जाता है ना, लोग बोलते सेम वैसा हो जाता है। अच्छा, इलाज कराएंगे बच जाएंगे। और ये और सारा वही मौका होगा, काट साफ करवा लीजिए, फटाफट लकड़ी साफ करवा के देख लीजिए। ठंडी में रहा हाउ आई, ये सब ठंडी में ज्यादा निकलते हैं। अच्छा, ये सब क्या एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से हम लोग सांपों का रेस्क्यू करते हैं, एक बार के लिए ये देखने में काफ़ी ज़्यादा आसान लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये जितना ज़्यादा आसान दिखाई देता है उतना ज़्यादा कठिन काम है। और इसके लिए पहले सांपों के बारे में अच्छी जानकारी तथा कई सालों के अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर के हम लोग सांपों को इतनी सरलतापूर्वक रेस्क्यू कर पाते। आप लोग देख सकते हैं हमने हाथ भी नहीं लगाया, ये खुद ब खुद बैग के अंदर जा रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस आया है वो काफ़ी ज़्यादा अध्ययन और काफ़ी ज़्यादा अभ्यास के बाद आया है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी इस काम को दोहराने या फिर हमें देख करके हमारी कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यदि आप बिना प्रशिक्षण के इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। और जब भी किसी को स्नेक बाइट यानी कि सर्पदंश हो तो बिना वक्त गवाए सबसे नज़दीकी सर्पदंश के अस्पताल में जाएँ और उचित ट्रीटमेंट करवाएँ।
क्योंकि स्नैक बाइट के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और एंटीवेनम ही बचा पाएगा, ना कि कोई झाड़ फूक या तंत्र मंत्र। एक जागरूक इंसान होने के कारण वन्य जीव का संरक्षण कर रहे हैं, हमें इसके बारे में ट्रेनिंग है जी। लोगों को जागरूक भी कर लें भैया, सांप आम के काटे तो सीधा हॉस्पिटल जाइए, झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए। सही, बिल्कुल, क्योंकि झाड़ फूक में लोग मर जाते हैं। बिना जहर वाला काटे रहेगा तो आपको झाड़ फूक वाला को बचा देगा, अगर सांप काटेगा तो बोलेगा अरे आपने थोड़ा सा लेट कर दिया। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा जंगल है, इस जंगल में इंसानों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता, जिससे कि यहाँ पर इंसान भी पूरी तरह से सुरक्षित है और सांप भी पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है। क्योंकि जब तक हम लोग सांपों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, जब तक इन्हें हमारी वजह से कोई चोट नहीं पहुंचता या फिर हमारे शरीर का कोई हिस्सा जाने अनजाने में इनके शरीर पर नहीं पड़ता, तब तक ये बाइट नहीं करते हैं ज़्यादातर सांप। क्योंकि जब इन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारी जान नहीं बचने वाली, हमारी जान के ऊपर खतरा है, तभी अपनी जान को बचाने के लिए इंसानों को काटते हैं। वरना सांप इतने बड़े जीव के ऊपर अपना जो वेनम होता है, एक तरह से कहें तो इनका जो जहर होता है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता होता है कि हम लोग इतने बड़े जीव को यानी कि इंसानों को ना तो निगल पाएंगे और ना ही खा पाएंगे। ऐसे में इनका जो वेनम होता है ये उसे इंसानों के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते। ये इंसानों में अपना वेनम तभी इंजेक्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारी जान नहीं बचेगी, हमारी जान को खतरा है, तब जाके ये इंसानों के ऊपर अपना वेनम इंजेक्ट करते हैं। खैर यहाँ पर इसका रुकना ठीक नहीं, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा लकड़ी वगैरह से टच करेंगे ताकि ये अपने अनुकूलित वातावरण में चला जाए, क्योंकि यहाँ पर सर्दी की वजह से इकट्ठा होकर बैठ गया है। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो अब धीरे धीरे अपने अनुकूलित वातावरण में जाने लगा है और ये अपने अनुकूलित वातावरण में चला जाएगा। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले और भी ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो को सबसे पहले आप लोग देखें बिना किसी रुकावट के। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है फिलहाल अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया, अभी ये पूरी तरह से सुरक्षित और हम लोग भी पूरी तरह से सुरक्षित है। बिना वक्त गवाए हम लोग अभी फिलहाल जंगल से बाहर की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने विचार भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।